फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक बुचर शॉप को देखते हैं जहां पर हमारी मुलाकात विंसेंट और सोफी से होती है जो कि हस्बैंड वाइफ हैं और वही उस शॉप के ओनर हैं। वो लोग इस शॉप को तकरीबन 20 सालों से चला रहे हैं जिसमें वो तरह तरह के मीट को बेचते हैं। हमेशा की तरह ही जब वो शॉप पर होते हैं तभी वहां पर वीगन ग्रुप के कुछ लोग आ जाते हैं जो उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। वीगन ग्रुप यानी कि जो पूरी तरह से वेजिटेरियन हो और जो किसी भी तरह के मीट को सेल करने के खिलाफ हो। अब वो लोग वहां पर आकर विंसेंट और सोफी पर अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों में से एक को विंसेंट पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। लेकिन उस लड़की के साथी उसे विंसेंट से बचा लेते हैं और भाग जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि विंसेंट और सोफी की शॉप कई महीनों से लॉस में चल रही है और वो इस दुकान के लिए उठाए गए लोन को भी चुका नहीं पा रहे हैं। इस कारण वो दोनों बहुत ही दुखी है। अब वो दोनों अपने फैमिली फ्रेंड के पास जाते हैं जिनका नाम मार्क और स्टेफनी होता है। मार्क और स्टेफनी की भी एक बूचर शॉप होती है जिसका प्रॉफिट दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और स्टेफनी तो सोफी को चिढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें भी करने लगती हैं। इस बात से सोफी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मार्क इतना बुरा आदमी नहीं होता है। वो विंसेंट को अपनी सेफ्टी के लिए एक राइफल देता है और कहता है कि अगर वो ग्रुप फिर से शॉप पर अटैक करे तो वो इस गन का इस्तेमाल कर सकता है। अब वो दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल जाते हैं जहां पर रास्ते में विंसेंट को वीगन ग्रुप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मार्क और स्टेफनी की सक्सेस देखकर वो लोग और जलने लगे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि वीगन ग्रुप के जिस लड़के को उन्होंने पकड़ लिया था वो वहीं से गुजर रहा है, तो विंसेंट उसे सबक सिखाने के लिए उस पर कार चढ़ा देता है। हालांकि विंसेंट उसे जान से मारने वाला नहीं था, वो तो सिर्फ उसे घायल करने की सोच रहा था, लेकिन वो लड़का मर जाता है। अब ये सब देखकर विंसेंट घबरा जाता है और उसे डर लगता है कि कहीं उसे पुलिस ना पकड़ ले। हालांकि वो पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताने का कहता है, लेकिन सोफी उसे रोक लेती है और कहती है कि पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। तो सोफी उसे कहती है कि हमें इस बॉडी को कहीं पर ठिकाने लगाना होगा, इसलिए वो उस लड़के की बॉडी को लेकर घर चले जाते हैं जहां पर विंसेंट उस लड़के की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है। लेकिन तभी उस बॉडी का एक टुकड़ा विंसेंट के डॉगी के पास गिर जाता है और वो डॉग भी उस मीट के टुकड़े को खा लेता है। ये देखकर विंसेंट चौंक जाता है और अब उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आ जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि विंसेंट शॉप पर आता है जहां पर वो उस लड़के की कटी हुई बॉडी के पार्ट्स को ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं पर नहीं मिलते हैं। तो वो सोफी से पूछता है, तब वो बताते हैं कि उसने उस मांस को बेच दिया है। हालांकि सोफी भी नहीं जानती थी कि वो एक ह्यूमन मीट था। और तभी हम देखते हैं कि जिस कस्टमर को सोफी ने वो मीट बेचा था वो फिर से आकर उस मीट की तारीफ करती है। वो कहती है कि वो बहुत ही डिलीशियस था, इस कारण वो और फिर से वही मांस खरीदने का कहती है और सोफी भी उसे वो मांस दे देती है। अब उस लेडी के जाने के बाद विंसेंट सोफी को बताता है कि वो मीट उसी लड़के का था जिसे उन्होंने कल रात को मार दिया था। ये सुनकर सोफी को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती वहां पर और भी कस्टमर आ जाते हैं जो उसी मीट को खरीदना चाहते थे और वहां पर बहुत भीड़ लग जाती है जिन्हें वो ह्यूमन मीट दे देते हैं। दरअसल उस लेडी ने उस मीट के बारे में सभी को बताया था, इस कारण लोग उनकी शॉप पर आ रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस वाला भी आता है जिसे देखकर विंसेंट डर जाता है, लेकिन वो पुलिस वाला तो उसी मीट को खरीदने आया था और वो भी समझ नहीं पाता है कि वो ह्यूमन मीट खरीद रहा है। वो पुलिस वाला विंसेंट से उस मीट का नाम पूछता है तो विंसेंट उसे बताता है कि ये एक ईरानियन मीट है जो बहुत ही रेयर है। अब सोफी और विंसेंट ने बहुत ही ज्यादा पैसे कमा लिए थे क्योंकि एक दिन में उन्होंने इतने सारे कस्टमर हैंडल किए जितने उन्होंने एक हफ्ते में भी नहीं किए थे। अब उसी रात विंसेंट भी बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि आखिर इस मीट में ऐसा क्या है जिसे लोग इतने चाव से खा रहे हैं, और अब वो उस मीट को टेस्ट करता है और वो उस मीट को खाकर चौंक जाता है क्योंकि वो मीट असल में बहुत ज्यादा टेस्टी था। अब सोफी भी उसे बताती है कि हमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसे ही काम करते रहना होगा और विंसेंट को भी और भी वीगन लोगों को मारना होगा जिससे कि वो उन वीगन लोगों का मीट उनकी शॉप पर बेच सके और बहुत सारे पैसे कमा सके। लेकिन विंसेंट ऐसा नहीं करना चाहता, मगर ना चाहते हुए भी विंसेंट सोफी को वीगन लोगों को मारने के लिए हाँ कर देता है। अब अगले दिन सोफी और विंसेंट की बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लुकस के साथ आती है और सोफी उन्हें कुछ नॉनवेज डिशेज सर्व करती है, लेकिन लुकस एक वीगन लड़का था जिसे नॉनवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं था और क्लोई भी लुकस के लिए वीगन में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब अगले दिन विंसेंट और सोफी अपने शॉप को प्रॉफिट में लाने के लिए अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा मोटा वीगन बंदा मिलता है जिसे विंसेंट मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे चाहते हुए भी नहीं मार पाता और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन कार में सोफी विंसेंट को कन्विंस करती है कि अगर उन्हें उनकी शॉप को लॉस से बचाना है तो उन्हें वीगन मीट को बेचना होगा। अब अगले दिन वो लोग शहर में एक वीगन अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं जहां पर वो लोगों को मीट न खाने की हिदायत देते हैं और उन्हें लगता है कि इस दौरान उनके पास बहुत सारे वीगन बंदे आएंगे जिनमें से कुछ लोगों को वो अपना शिकार बना सकते हैं। और होता भी ऐसा ही है, एक दुबला पतला आदमी वहां पर आता है और वो उन दोनों के काम की
सराहना करता है और कल उनसे मिलने को कहता है, क्योंकि उस बंदे के पास कोई प्लान होता है जिससे कि वो बुचर शॉप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके। अब अगले दिन विंसेंट और सोपी भी उस बंदे से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर विंसेंट उस लड़के को मारने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लेता है और वो लोग अब उस लड़के के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर विंसेंट अपने साथ एक धारदार हथियार ले जाता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि उस लड़की के साथ उसकी साथी भी है। दरअसल वो लोग एक ही विगन ग्रुप का हिस्सा थे और वो बुचर शॉप को बंद कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और अब उनका प्लान था कि वो शहर के एक बुचर शॉप पर जाकर उस दुकान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे। अब वो विंसेंट और सोपी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और एक बुचर शॉप पर पहुँचते हैं, जहाँ विंसेंट और सोपी को पता चलता है कि वो शॉप तो मार्क की है। तो अब विंसेंट और सोपी भी सोचने लगते हैं कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मार्क और स्टेफनी उन्हें आए दिन चिढ़ाते हैं। अब वो चारों लोग मिलकर उस शॉप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उसी शाम को विंसेंट और सोपी एक वेजिटेरियन होटल में जाते हैं, जहाँ पर सोपी विंसेंट को वीगन लोग को मार के उसकी शॉप को फिर से प्रॉफिट में चलाने के लिए कहती है। लेकिन विंसेंट इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वो ऐसे ही मर्डर करते रहे तो एक दिन उन्हें जेल हो जाएगी। और अब उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो जाती है, जहाँ से विंसेंट अकेले ही घर की ओर चला जाता है। लेकिन सोपी उसी होटल में बैठी रहती है, जहाँ पर एक वेटर आता है जो सोपी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, और बातों ही बातों में सोपी को पता चलता है कि वो वेटर भी एक वीगन है। अब सोफी को लगता है कि अगला शिकार उस वेटर को ही बनाना चाहिए, इसलिए अब वो उसके साथ कंफर्टेबल होने लगती है। अब वो वेटर सोफी को घर छोड़ने आता है, जहां पर वो जाते समय सोफी को किस करता है, लेकिन किस करते समय सोफी ने उसकी जीभ को काट लिया था, जिस कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सोफी उससे कहते हैं कि अब वो उसके घर में चलकर फर्स्ट एड कर ले, और अब वो वेटर भी समझ जाता है कि सोफी भी उसे यहां पर रोकना चाहती है। अब जैसे ही सोफी उसे लेकर घर में आती है, तो सोफी विंसेंट के पास जाकर उसे बताती है कि उसने एक वीगन लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है और विंसेंट को उसे मारने के लिए कहती है। लेकिन विंसेंट उसे मना करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी विंसेंट उस लड़की के पास जाता है, जहां पर वो लड़का पूरी तरह से न्यूड था, क्योंकि वो तो सोफी का वेट कर रहा था। अब विंसेंट को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। सोफी और विंसेंट मिलकर उस लड़की की बॉडी को काटने लगते हैं। अब ये सिलसिला रोज का हो चुका था, वो हर एक दिन किसी न किसी नए वीगन को लाकर उसे काट कर लोगों को सेल कर देते थे, और उन्हें इस काम में मजा भी आने लगा था। और अब उनकी शॉप भी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में आ चुकी थी, और उनके उस ह्यूमन मीट के लिए लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ भी उनकी शॉप के बाहर लगने लगी थी। ये देखकर सोफी और विंसेंट दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि विंसेंट और सोफी अपने अगले शिकार के लिए निकले हुए हैं, जहां पर उन्हें एक टीनेज लड़का नजर आता है और वो लोग उसका शिकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन वो लड़का उनके इरादों को समझ जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन कुछ ही दूर भागने पर वो लड़का वहीं पर गिर जाता है, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट था और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब अगले दिन सोफी और विंसेंट मार्क और स्टेफनी के घर पर लंच के लिए जाते हैं, जहां पर विंसेंट उसी लड़के का मीट लेकर वहां पर आता है, जिसे टेस्ट करके मार्क और स्टेफनी भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा मीट कभी नहीं खाया था। अब बातों ही बातों में सोफी स्टेफनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो उन दोनों की शॉप से ज्यादा प्रॉफिट में थे, इस कारण वो शॉप करने की कोशिश करती है। और इस कोशिश के दौरान मार्क और विंसेंट की भी बहस हो जाती है, और बहस इतनी बढ़ जाती है कि उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, और इसी फाइट के बीच विंसेंट मार्क का एक कान काट लेता है और उस कान को खाने लगता है, और उसे बड़े चाव से कान खाते हुए देखकर मार्क भी चौंक जाता है और उसे विंसेंट पर शक होता है, हालांकि वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब अगले दिन सोफी और विंसेंट एक वीगन फेस्टिवल में जाते हैं, जहां पर केवल वीगन लोग ही आए हुए थे, जहां पर उन्हें लुकस और क्लोई भी मिलते हैं। लुकस विंसेंट और सोफी को वहां पर देखकर चौंक जाता है और उनसे पूछता है कि वो इस वीगन फेस्टिवल में क्या कर रहे हैं। इस बात को लेकर लुकस बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है और वो सोफी और विंसेंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इस दौरान हम उस बंदे को भी देख पाते हैं जिसके साथ उन्होंने मार्क की शॉप को डिस्ट्रॉय किया था। सोफी और विंसेंट अब निराश होकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो किसी न किसी को वहां से अपना शिकार बनाना चाहते थे, और उन्हें फेस्टिवल के बाहर एक लड़की नजर आती है जिसे वो लोग मार देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब रात होने पर विंसेंट उस लड़की की बॉडी को काटने लगता है, लेकिन तभी वहां पर वो पुलिस वाला आ जाता है और वो बताता है कि उसने वहां पर शॉप की लाइट चलते हुए देखी, तो वो उसे हाय बोलने के लिए आ गया है। और वो विंसेंट को बताता है कि सिटी में बहुत सारे लोग दिनों दिन गायब हो रहे हैं, इस कारण उसे रात में भी काम करना पड़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि विंसेंट का डॉग उस लड़की का कटा हुआ हाथ लेकर उस पुलिस वाले की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन विंसेंट बड़ी चालाकी से उस पुलिस वाले को वहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है और इस तरह से वो बच जाता है। अब उसे लगता है कि वो लोग ज्यादा दिन तक इस बिजनेस को नहीं चला पाएंगे, इस कारण वो सोफी को बताता है कि अब वो लोग किसी भी आदमी का मर्डर नहीं करेंगे और ना ही वो अपनी शॉप पर ह्यूमन मीट सेल करेंगे। लेकिन सोफी इस बात से एग्री नहीं करती और वो विंसेंट को मनाने की कोशिश करती है, और किसी तरह इमोशनली सोफी विंसेंट को मना लेती है। अब उसी रात लुकस विंसेंट के घर आता है
हैं। वो मेले में हुए उसके व्यवहार के लिए माफी मांगने आया था, तो विंसेंट भी उसे माफ कर देता है। लेकिन सोफी उसके साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंकी होने लगती है, जिससे कि विंसेंट समझ जाता है कि सोफी लुकस को भी अपना शिकार बनाना चाहती है। इस कारण विंसेंट लुकस को वहाँ से घर जाने को कह देता है। अगले दिन जब विंसेंट और सोफी शॉप पर होते हैं तो वहाँ पर एक लेडी उसी ईरानियन मीट को खरीदने आती है, लेकिन विंसेंट बताते हैं कि अब वो मीट उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रेयर था। अब उनके पास वो मीट नहीं है और ना ही उनके पास कभी मिलेगा। इस बात से वो महिला बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सोफी विंसेंट से काफी नाराज हो जाती है और उसे लगता है कि विंसेंट की कहानी वो एक बार फिर से दिवालिया होने वाले हैं। और इस दौरान सोफी और विंसेंट के बीच बहस भी हो जाती है और विंसेंट वहाँ से चला जाता है। तभी विंसेंट की शॉप पर वो वीगन लोग आ जाते हैं जिनके साथ मिलकर उन्होंने मार्क की दुकान को डिस्ट्रॉय किया था, और वो बंदे समझ जाते हैं कि सोफी और विंसेंट भी बुचर हैं, इसलिए वो सोफी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम होती है तो विंसेंट वापस शॉप पर लौटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उन्हीं वीगन लोगों की वैन खड़ी हुई है और वो समझ जाता है कि उन्होंने ही सोफी को किडनैप किया है। वहीं दूसरी ओर वो लोग सोफी को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विंसेंट आ जाता है और वो उन लोगों पर अटैक कर देता है। इस हमले के दौरान वो एक ही वार में एक लड़की को मार गिराता है, लेकिन उसका एक साथी विंसेंट को भी घायल कर देता है, जिसके बाद बंदी हुई सोफी भी अपने आप को छुड़ा लेती है और उस आदमी को खत्म कर देती है। और इस तरह से सोफी और विंसेंट अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन लास्ट सीन में हम देखते हैं कि शहर में वे मर्डर के जुर्म में विंसेंट और सोफी को अरेस्ट कर लिया है और उन्हें उम्र कैद हो चुके हैं। और इस बात की खबर पुलिस वाले को किसी और ने नहीं बल्कि मार्क और स्टेफनी ने ही दी थी, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि सोफी और विंसेंट ह्यूमन मीट बेच रहे हैं, क्योंकि जब विंसेंट ने मार्क का कान काटा था तभी मार्क समझ गया था। और इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें।